एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो मैं फैक्ट्री रूल्स के अब आपसे शेयर करूंगा। अगर आप देखेंगे इस वीडियो का टॉपिक, आपको फैक्ट्री एक्ट के 132 मॉडल रूल्स हैं जो कि 15 दिसंबर 2020 तक अपडेट किए गए। आपको पता है क्या इन फैक्ट्री रूल्स, फैक्ट्री एक्ट के 132 मॉडल रूल्स को अगर आप जानते हैं तो आपको बहुत ईजी होगा अपने प्लांट में वर्क करने में। मैं आपको सारे रूल्स तो नहीं आज बताऊंगा, आज मैं रूल नंबर 130 बताऊंगा कि रजिस्टर ऑफ एक्सीडेंट एंड डेंजरस ऑकरेंसेस में क्या रिक्वायरमेंट है, इसका क्या फॉर्म नंबर है और ये कैसा दिखता है फॉर्म। तो जो ये रूल नंबर मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, 132 में से 130 नंबर, रूल नंबर 130 में शेयर कर रहा हूँ, रजिस्टर ऑफ एक्सीडेंट्स एंड डेंजरस ऑकरेंसेस। ये फैक्ट्री मैनेजर, जो भी आपके प्लांट के यूनिट हेड या प्लांट हेड जो भी डिक्लेयर है फैक्ट्री मैनेजर, ये उनकी जिम्मेदारी है कि हर एक्सीडेंट और डेंजरस ऑकरेंसेस जो भी फैक्ट्री में हो रहा है उसको फॉर्म नंबर 32, किस फॉर्म नंबर, फॉर्म नंबर 32 में मेंटेन करना है। और उस फॉर्म नंबर के कंटेंट हैं नेम ऑफ द इंजर्ड पर्सन आपको लिखना है, अगर डेंजरस ऑकरेंसेस है तो नहीं आएगा ये, लेकिन अगर एक्सीडेंट है तो ये आएगा। डेट ऑफ एक्सीडेंट और डेंजरस ऑकरेंसेस ये दोनों के ही केस में आएगी, आपको किस डेट को वो इंसिडेंट हुआ था जो डेंजरस ऑकरेंस था या चोट लगी थी। उसके बाद डेट ऑफ रिपोर्ट, आपने फैक्ट्री इंस्पेक्टर को किस डेट को रिपोर्ट किया वो यहाँ पे लिखना है। नेचर ऑफ एक्सीडेंट क्या था, वो एक्सीडेंट था कि डेंजरस ऑकरेंस था। डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इंजर्ड पर्सन टू वर्क, वो इंजर्ड पर्सन काम पे वापस कब आया, और नंबर ऑफ डेज द इंजर्ड पर्सन वॉज एबसेंट फ्रॉम वर्क। ये सारी 6 इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म नंबर 32 मॉडल रूल्स के अंडर, रूल नंबर 130 आपका फैक्ट्रीज एक्ट का कहता है। ये मॉडल रूल्स आपको सबको पता होने चाहिए, मैं एक एक करके सारे रूल्स आप लोगों से शेयर करूंगा। थैंक्स अ लॉट।